इन टुडेज़ वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर योर इमिग्रेशन। यूके आने के बाद सबसे पहले आपको इमिग्रेशन पास करनी होती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू मे नॉट मिस एनी पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूके इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर्स। जी हाँ, अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं और इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट योर कैश योर वीजा, तो आपको यूके आने के बाद इमिग्रेशन को फेस करना होता है। सो वॉच दिस वीडियो ताकि आप जब यूके आए तो यू मे नॉट फील एनी डिफिकल्टी व्हाइल गिविंग योर आंसर्स टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। सो हियर आई विल टेल यू How to clear the question answers when you arrive at immigration. So once you land in UK, you will see that there are two different types of people for immigration. One, those who have the British nationality, and other, those who are Asian, or those who don't have European nationality or British passport. तो आपने ये ध्यान में रखना है कि विच वन यू हैव टू गो। मेक श्योर दैट यू फॉलो द एशियन वन और दोज हु आर विदाउट ब्रिटिश पासपोर्ट और नेशनैलिटी। बिकॉज जब मैं भी यूके आया था तो देर वॉज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर इन लाइन। तो जो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है एंड दे कैन एंटर इन यूके। वेयर एज जबकि जो एशियन है या जो हम जैसे हैं, those who have not got the British nationality, तो उनको पूरे procedure से गुजरना पड़ता है। So once you will stand in front of the immigration officer, he will ask different questions. यहाँ पर कुछ ऐसे भी students होते हैं या लोग हैं जिनसे ज़्यादा सवाल नहीं किए जाते। If I take my example, so मेरे से भी उसने सिर्फ चंद सवाल किए थे, उसके बाद I was able to enter in UK. But there are people, those who get interrupted in different difficulties. So once you arrive in front of the officer, वो आपको आपके visa के मुताबिक ही आपसे सवाल करता है, the category which you have got visa. If you have the student visa, तो वो आपसे आपकी university के बारे में सवाल कर सकता है, and he will ask your modules. What are the modules? What is the name of your university? When your course is about to begin? And where are you gonna stay? इसके साथ साथ वो आपके documents भी check कर सकता है। So make sure when you come, you get all your essential study documents as well as your accommodation contract if you have any. क्योंकि अगर वो officer आपको आपका cash मांगता है, so you should able to show your cash. और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, once you arrive in airport, आपने ये नहीं कहना कि आई एम गोइंग टू स्टे विद माई फैमिली और माई रिलेटिव्स आर हियर इन यूके, बिकॉज इस तरह उनको शक होता है कि यू आर गोना स्टे लॉन्गर फॉर हियर। बट यू शुड से दैट आई एम गोना स्टे विद माई फ्रेंड्स और आई विल हैव और आई हैव बुक्ड अ अकोमोडेशन इन यूके। और इसी तरह जब आप स्किल वीज़ा पर आते हैं या किसी और वीज़ा टाइप पर आते हैं, सो इमिग्रेशन ऑफिसर विल आस्क द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली के व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा यू हैव और आप यहाँ पर क्यों आए हैं, व्हाट विल बी योर पर्पस ऑफ स्टेइंग हियर। और इसके साथ साथ दिस इज ओनली फॉर चेकिंग दैट आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश और नॉट। और इसके साथ साथ वो आपको मेक श्योर करते हैं दैट यू हैव ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर एलिजिबल टू स्टे हियर इन यूके। सो बिफोर फिनिशिंग माई वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो इंटरव्यू उन्होंने यूनिवर्सिटी में पास किया है वही इंटरव्यू इमिग्रेशन वाले पूछेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो बिकॉज द यूनिवर्सिटी हैव देयर ओन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। रादर द इमिग्रेशन ऑफिसर्स दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू कम यू हैव अ गुड फ्लाइट एज वेल, बिकॉज देयर आर डिफरेंट फ्लाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम बांग्लादेश नेपाल एज वेल। तो आप If you book your ticket in advance, you will get a cheaper one. अगर मैं अपनी बात करूँ, I was able to manage my ticket for the Emirates. And Emirates is one of the best airlines through which you can come to UK. It was a connecting flight, but though it was cheaper than the direct flight. So therefore, whenever you are going to plan to come here, make sure that you have the ticket in advance. So if you are taking the connecting flight,
यू शुड मेक श्योर दैट योर स्टे आइदर इट इज इन दुबई और दोहा, इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन विच यू बुक. जो स्टे है आपका कनेक्टिंग फ्लाइट के साथ, उसका स्टे ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी इनफ दैट यू हैव सफिशेंट टाइम टू मैनेज टू कैच द अदर फ्लाइट, बिकॉज समटाइम्स इफ योर फर्स्ट फ्लाइट गेट्स डिले, सो यू हैव इनफ टाइम टू कैच द अदर फ्लाइट. बिकॉज अगर आपका टाइम कम है और अगर आपको दूसरी फ्लाइट के लिए मुश्किल हो रही है, सो योर माइंड विल बी देयर ओनली एंड यू कैन गेट स्ट्रेस एज वेल. और ये सब कुछ आपको आगे जाके इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा और आप जो है वो अच्छे तरीके से आपके इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर सकते. सो देयरफॉर ये सब कुछ अपने माइंड में रखना है कि यू शुड हैव अ इनफ टाइम इन टू फ्लाइट्स थ्रू पाकिस्तान और थ्रू एनी कंट्री व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग टू यूके. सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है हाउ टू क्लियर योर इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर्स. फर्दरमोर इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोज हु वांट टू कम टू यूके सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंगली. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.